हेलो दोस्तों, मैं संजीव वार्ष्णेय टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये मैट्रिक्स एटर्निटी जी पी पेनएक्स जेनएक्स जो सभी सिस्टम से लेकर रिलेटेड है, सभी में लगभग सेम प्रोग्रामिंग होती है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसमें हम वीडियो में आपको बेसिकली बताएंगे कि कैसे आप इनकमिंग जैसे कोई भी एनालॉग लाइन्स है, कोई भी ट्रंक लाइन है, आपकी जो पीएसटीएन लाइन है उसकी इनकमिंग आप कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीओ कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। सीओ मतलब सेंट्रल ऑफिस लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन होती है, जो पीएसटीएन लाइन्स होती है। इसके अंदर हम सीओ पैरामीटर्स में जाएंगे। तो सीओ पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर हमारा दिखा रहा है पोर्ट नंबर 1 एंड 2 हार्डवेयर स्लॉट, यानी फर्स्ट स्लॉट के अंदर थर्ड पोर्ट एंड फोर्थ पोर्ट है, इनेबल है पोर्ट। अगर यहाँ से आउट ऑफ सर्विस करना चाहें तो आप आउट ऑफ सर्विस कर सकते हैं, कि यानी किसी पोर्ट को अगर आपको यूज नहीं करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नेम्स आप डाल सकते हैं। और ये है ट्रंक फीचर टेम्पलेट। बेसिकली ये फीचर ट्रंक फीचर टेम्पलेट इज यूज फॉर इनकमिंग कॉल्स। सपोज अभी हम देखना जा रहे हैं कि एक एक्सटेंशन है, जैसे सपोज फर्स्ट लाइन है उसकी कॉल हमें 20 पर चाहिए और सेकेंड लाइन है उसकी कॉल हमें सपोज 30 नंबर एक्सटेंशन पे चाहिए। तो ये बेसिकली जो डिफाइन करना होता है वो ये ट्रंक फीचर टेम्पलेट में हमें डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ट्रंक फीचर टेम्पलेट दोनों केसेस में 01 और 01 है। तो हम सपोज कि पहली कॉल अपने को जो फर्स्ट लाइन है उसको 20 पर चाहिए और सेकंड लाइन उसको हमें 30 पर चाहिए, यानी हमें ये लाइन की इनकमिंग सपोज 20 पर चाहिए और इस लाइन की इनकमिंग हमें 30 पर चाहिए। तो हम यहाँ पर अब देखिए इसमें हम ट्रंक फीचर टेम्पलेट दोनों को डिफरेंट कर देते हैं। पहले को हम 01 ही रहने देते हैं, दूसरे को हम 02 कर देते हैं और हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब देखिए, अब हम इस ट्रंक फीचर टेम्पलेट के अंदर जाते हैं। तो ट्रंक फीचर टेम्पलेट में आप देखेंगे कि 01 टेम्पलेट में जो राउटिंग ग्रुप है दैट इज 01, और 02 टेम्पलेट में जो राउटिंग ग्रुप है इसमें भी 01 है। तो इस टेम्पलेट को हम चेंज करके 02 कर देते हैं। ये डे मोड है, अगर आपको डे मोड, नाइट मोड या लंच मोड में अगर डिफरेंट करना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमने 02 02 02 कर दिया है। तो यानी अब जो इनकमिंग कॉल्स है, फर्स्ट टेम्पलेट में जो कॉल लैंड करेगी वो 01 लैंडिंग ग्रुप जो राउटिंग ग्रुप में करेगी, और जो सेकंड लाइन है उसकी 02 में करेगी। अब हम जाते हैं राउटिंग ग्रुप में। तो राउटिंग ग्रुप में बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर राउटिंग ग्रुप पहले वाले को हमने 1 दिया था, दूसरे वाले को हमने 2 दिया था। तो सबसे पहले हम इसको पहले चेक करेंगे कि हमारे उसके जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पोर्ट नंबर के हिसाब से होता है। तो इसके लिए हम जो है SLT कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि किसका पोर्ट नंबर क्या है। तो जैसे 20 नंबर एक्सटेंशन है जो कि हमें पहली ट्रंक का इनकमिंग 20 पर देना है, तो उसका पोर्ट नंबर है 1। तो यहाँ पर हम 1 सेलेक्ट करेंगे पहली ट्रंक के लिए, और जो 30 यानी दूसरी ट्रंक जो है उसके लिए 11। तो 1 और 11 पहली लाइन हमें जो SLT का पोर्ट नंबर है 1 पे लैंडिंग देनी है, दूसरी लाइन हमें जो है 11 पे देनी है। तो अब यहाँ पर हम SLT सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें सिंपल फोन पे इनकमिंग चाहिए और इसमें हमने 1 इसमें सेलेक्ट कर दिया है। और दिस इज 015 मीन्स कि रिंग कितनी देर तक आपके पास होगी। तो इसको हम नॉर्मली जैसे 15 सेकेंड है तो दैट इज 5 रिंग्स के आसपास होता है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली रिंग यहीं पर चाहिए यानी 20 नंबर पे चाहिए तो आप इसको और जो है 200 कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसमें अलग अलग जो जहां पर भी बाकी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स को आप इसमें नन कर देंगे, और ये हमने नन कर दिया है। और अब हम जो सेकंड जो राउटिंग ग्रुप है, अब हम जाएंगे सेकंड राउटिंग ग्रुप पे। तो सेकंड राउटिंग ग्रुप में हमें बेसिकली जो फर्स्ट मेंबर है उसको हमें 11 करना है, SLT नंबर 11। तो SLT 11 जैसे ही हम करेंगे, देखिए ये हमारा सेकंड आ गया, तो इसको हमने SLT सेलेक्ट किया, इसको हमने 0011 किया और यहाँ पर हमने 200 किया। देन यहाँ पर हम इसको नन करेंगे, इसको भी SLT को नन करेंगे, और इस तरीके से हम बाकी सब सारी एंट्रीज को नन रखेंगे, क्योंकि हमें एक ही एक्सटेंशन पे रिंग चाहिए तो इसलिए हम नन रखेंगे। और अगर हमें दूसरे एक्सटेंशन पे भी रिंग चाहिए तो हम यहाँ पर उसको जो सेकंड मेंबर है तो वहां पर हम एक्सटेंशन नंबर डाल सकते हैं। तो अब आप इसमें देखिए कि पहले, अब हम इसको रिवर्स पाथ को चेक करते हैं कैसे इनकमिंग आ रही है। तो इसमें हम जो सबसे पहले सीओ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे,
तो सीओ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है, देखिए सीओ पैरामीटर्स, तो सीओ पैरामीटर्स में सबसे फर्स्ट जो ट्रंक फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पोर्ट है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमने ट्रंक फीचर टेम्पलेट, सीओ हार्डवेयर टेम्पलेट को आपको नहीं देखना है इसके लिए, तो ट्रंक फीचर टेम्पलेट वन है और सेकेंड लाइन के लिए सीओ ट्रंक फीचर टेम्पलेट टू है, यानी टीएफटी वन एंड टू। अब हम वन एंड टू में जाएंगे तो यहां पर देखिए वन के लिए जो राउटिंग ग्रुप है दैट इज वन, लंच में भी वर्किंग आवर्स, ब्रेक आवर्स एंड नाइट आवर्स, तो सभी में वन है, और नाइट की जो साइड लाइन नंबर टू है उसके लिए टू है। और इसी तरीके से फिर हम फिर देन डेप्थ में जाते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले जो राउटिंग ग्रुप है उसकी लैंडिंग दैट इज एसएलटी पोर्ट नंबर 001 और जो कि एक्सटेंशन नंबर 20 है, और सेकंड जो है वो एसएलटी पोर्ट नंबर 11 जो कि एक्सटेंशन नंबर 30 है। तो इस तरीके से हम इसको, अब कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन की कॉल जो है 20 पर रिंग करेगी, सेकंड लाइन की कॉल 30 पर रिंग करेगी। तो इस तरीके से आप जो है इनकमिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। अगर इस तरह की आप और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप किसी भी आइटम को इसमें से परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।